इसी नामांकन प्रक्रिया में अंबाला में आज बीजेपी नेता रतनलाल कटारिया अपना पर्चा भरेंगे। अंबाला सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं रतनलाल कटारिया और नामांकन के वक्त उनके साथ खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज मौजूद होंगे। तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है हरियाणा में, एक के बाद एक उम्मीदवार अपना पर्चा भर रहे हैं। उसी के तहत अंबाला में रतनलाल कटारिया, जो वहां से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, एक प्रबल दावेदार बीजेपी के माने जा रहे हैं इस सीट से, वो आज अपना पर्चा भरेंगे। जिस वक्त वो पर्चा भरेंगे उनके साथ में सीएम खट्टर मौजूद होंगे और मंत्री अनिल विज भी उनके साथ मौजूद होंगे। आपको बता दें कि इस सीट पर इनेलो ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और रामपाल वाल्मीकि से उनका मुकाबला है। अभी जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से आम आदमी पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन कौन उम्मीदवार होगा वो सामने नहीं आया है। और बीजेपी उम्मीदवार रतनलाल कटारिया आज अपना नामांकन भरेंगे। हमारे सहयोगी कृष्ण वाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण जी, आज नामांकन भरेंगे रतनलाल कटारिया, क्या पूरा प्रोग्राम रहेगा? अमूमन देखा जाता है कि जब इतना दिग्गज चेहरा और उनके साथ में खुद सीएम मौजूद होंगे और अनिल विज मौजूद होंगे, क्या इससे पहले रोड शो किया जाएगा या कोई चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा? जी, अपना जो सीएम का अंबाला का कार्यक्रम था, जो उन्होंने रोड शो भी करना था, लेकिन रोड शो उनका कैंसिल हो गया है और अब वो अंबाला सिटी में ही एक जनसभा को पहले संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद फिर उनके नामांकन के लिए निकलेंगे रतनलाल कटारिया, अनिल विज उनके साथ होंगे। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो अंबाला की 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके सभी विधायक बीजेपी के है, वो सभी विधायक भी इस समय मौके पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल तो अभी इनकी 10 बजे जो एक कार्यालय में, जो रतनलाल कटारिया ने कार्यालय बनाया है, उनके कार्यालय में एक मीटिंग की जाएगी जिसमें सीएम मौजूद नहीं होंगे, लेकिन विधायक और अनिल विज सहित सभी लोग जो प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी बनाए हुए, वो मौके पर मौजूद होंगे। सीएम लगभग 11:30 और 12 के करीब यहां पर पहुंचेंगे और उस चुनावी जनसभा में हिस्सा लेने के बाद फिर वो रतनलाल कटारिया के साथ नामांकन के लिए जाएंगे। रोड शो का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, लेकिन उनके आने के बाद अगर वो छोटा सा एक कोई रोड शो दे दे तो ये कह पाना भी मुश्किल है, जब वो आएंगे उनके बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल रतनलाल कटारिया जो अभी इस समय मौके पर पहुंच चुके हैं और दूसरे विधायकों का आने का सिलसिला भी इस समय जारी है। जी कृष्ण जी, ये तो बात हो गई कि कौन उनके साथ मौजूद होगा। अगर सीट की बात करें तो एक ऐसी सीट जहां से इनेलो ने रामपाल वाल्मीकि को उतारा है, कुमारी शैलजा और अब रतनलाल कटारिया, दोनों अगर वो दोनों पार्टी देखी तो उन्होंने दलित जो उम्मीदवार है उनको उतारा है और कुमारी शैलजा अपने आप में एक बड़ा नाम कांग्रेस की तरफ से माना जाता है और उनको दोबारा से मौका दिया गया है और उन्होंने दावा भी पेश किया है कि जो उन पर आलाकमान ने विश्वास जताया है वो उस पर खरी उतरेंगी। तो क्या लगता है, कड़ा मुकाबला इस सीट पर है और सियासी समीकरणों को साधने की सभी पार्टियों ने कोशिश की है? जी बिल्कुल, तो अपना इस बात को कह सकते हैं कि जो सभी पार्टियां है वो अपने अपने बड़े चेहरे उतारने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने रतनलाल पर दोबारा दाव खेला है क्योंकि कटारिया यहां से मौजूदा एमपी भी है और उन्होंने कांग्रेस के, जो पिछली बार कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ी थी वो राज्यसभा में चली गई थी, राजकुमार वाल्मीकि जो थे वो अंबाला से चुनाव लड़े थे, जो अंबाला से काफी करारी शिकस्त लेके गए थे और लगभग 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से अंबाला से वो हारे थे। हालांकि इस बार रतनलाल कटारिया ने जो है दावा किया है कि 5 लाख वोटों से ज्यादा से कुमारी शैलजा वो हराएंगे, लेकिन कुमारी शैलजा से रतनलाल कटारिया इससे पिछले चुनाव के अंदर हार चुके हैं, इस लेकिन उसके बाद जो रतनलाल, जो कुमारी शैलजा थी वो राज्यसभा में चली गई थी, उसके बाद राजकुमार वाल्मीकि ये जीत चुके थे, शायद मोदी लहर का भी उसमें असर कह सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर मोदी वेव की बात करें तो मोदी वेव अब भी काफी नजर आ रही है, तो लेकिन कुमारी शैलजा जो है वो मेंबर राज्यसभा रही है, साथ केंद्र में मंत्री भी रही है और एक काफी हरियाणा की राजनीति में भी काफी उनका वजूद है और उन्होंने सभी हरियाणा के जो कांग्रेसियों को है एकजुट कर दिया है। अंबाले में जितने भी कांग्रेसियों में मतभेद हुआ करते थे सभी इस समय कुमारी शैलजा के साथ इकट्ठा नजर आ रहे हैं। उसमें मैं आपको एक दो नाम भी बड़े चेहरे के गिनवा दूंगा, जो चंद्र मोहन है जो अंबाला के, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे हैं,
वो भी इस समय इनके साथ देखे गए हैं। निर्मल सिंह जो हरियाणा के पूर्व मंत्री और इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, वो भी शैलजा के परस्पर विरोधी रहे हैं, लेकिन इस समय वो भी एक मंच पर शैलजा के साथ इकट्ठे देखे जा रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि शायद कुमारी शैलजा ही सीट को जीतेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम कटारिया की अगर बात करें तो कटारिया के साथ भी इस समय काफी बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। तो अनिल विज थे, अनिल विज भी इनके परस्पर विरोधी माने जाते थे। यहाँ पर अम्बाला में रतन लाल कटारिया के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी पोस्टर भी लगा दिए थे लापता सांसद के नाम से। लेकिन अनिल विज के इनके साथ मिल जाने के बाद लगता है कि ये कुमारी शैलजा के लिए जीत काफी मुश्किल होगी। जी बिल्कुल, सीट मुश्किल होगी कुमारी शैलजा की। लेकिन अगर जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात करें, अभी तक उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्या इसी का इंतजार था कि ये तीनों पार्टियां कौन से उम्मीदवार उतारने वाली हैं, क्या सियासी समीकरण इनका बनेगा उसके बाद हम उतारेंगे? क्या लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन इस रन में उतरने वाला है? हाँ, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी उनका कल को ताजा ताजा गठबंधन हुआ और अंबाला की सीट आम आदमी पार्टी में के हिस्से में आई है, जेजेपी और आम आदमी पार्टी का जैसे गठबंधन हुआ है, तो अंबाला में अभी इनके पास आप पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा तो नहीं है। लेकिन जैसे कि अंबाला की सीट रिजर्व है, एससी रिजर्व है, इसलिए अंबाला में अगर एससी की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा चेहरा ये उतारने के मूड में नजर आ रही है। फिलहाल जो इस समय बलबीर सिंह का नाम चल रहा है कि शायद उनको अंबाला की टिकट मिल जाए, यहाँ के बो के रहने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और काफी कार्यकर्ताओं को उन्होंने एकजुट किया हुआ है। जी शुक्रिया कृष्ण बाली जी तमाम जानकारी के लिए। तो आज रतनलाल कटारिया जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन भरेंगे और जिस वक्त वो नामांकन भरेंगे उनके साथ में खुद सीएम मौजूद होंगे और अनिल विज मंत्री मौजूद होंगे। 12 मई को हरियाणा में चुनाव, उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया, लगातार अलग अलग उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं।